प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार को चल रहे मतदान के दौरान कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में स्थानीय प्रशासन ने नियमानुसार कार्यवाही करने की जानकारी दी है। डीएम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जानकारी जो मिली है उसके अनुसार आपको बता दें, मेयर पांडे पर मतदान के दौरान ईवीएम में वोट देते हुए अपनी तस्वीर सार्वजनिक करने का आरोप है। तस्वीर में वो एक दल को मतदान करते हुए दिख रही हैं। इस पर कानपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, पांडे द्वारा शहर के हटसन स्कूल मतदान केंद्र में मतदान की गोपनीयता भंग करने की जानकारी मिली है। इस मामले पर निर्वाचन नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। पांडे ने मतदाताओं के से निर्वाचन नियमों का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें, मतदान करते हुए ईवीएम की फोटो खींचना निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है। इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। सफाई में हालांकि कानपुर मेयर का जवाब भी सामने आ गया है। मेयर प्रमिला पांडे कानपुर शहर के हटसन मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए गई थी। उनको लेकर ये जो पूरा विवाद तूल पकड़ रहा है, इस बारे में प्रमिला पांडे ने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी तस्वीरें किसने क्लिक की, साथ ही ये भी नहीं पता कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रमिला पांडे ने कहा, बूथ के अंदर फोन ले जाने की परमिशन कैसे दी गई, मैं इसके लिए प्रशासन से शिकायत करूंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।